हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहन सरकार। आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे ऐसी 15 फैक्ट्स जो कि इंटरनेट के बारे में है। लेट्स गो। फैक्ट नंबर वन, क्या आपको पता है भारत में आम जनता के लिए इंटरनेट का सुविधा 14 अगस्त 1995 को BSNL के द्वारा हुआ था। ऐसी रैंडमली फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। फैक्ट नंबर टू, स्वीडन की कुल लोगों की आबादी का 75 हिस्सा इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण स्वीडन सबसे ज्यादा इंटरनेट को इस्तेमाल करने वाला देश है। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर थ्री, 1991 से पहले एक भी वेबसाइट नहीं थी, जबकि इंटरनेट पर आज करीब 100 करोड़ से भी ज्यादा वेबसाइट रजिस्टर्ड है और इसका संख्या लगातार बढ़ता ही जा रहा है। फैक्ट नंबर फोर, भारत में इंटरनेट चलाने वालों की संख्या अमेरिका के कुल आबादी से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर फाइव, क्या आपको पता है इंटरनेट ने सिर्फ 5 साल में ही 5 करोड़ उपभोक्ता बना लिया था, जबकि टीवी को इतना उपभोक्ता बनाने के लिए 13 साल लग गए थे। गजब। फैक्ट नंबर सिक्स, आज आप चाहे कोई भी ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं, गूगल क्रोम, सफारी, यूसी ब्राउजर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन 1993 में इंटरनेट का और प्रसिद्ध ब्राउजर मोसाइक था। फैक्ट नंबर सेवन, चीन में मोबाइल पे इंटरनेट चलाने वाले की संख्या PC में इंटरनेट चलाने वाले से ज़्यादा है। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर एट, क्या आपको पता है इंटरनेट पर प्रत्येक सेकेंड में करीब 24 लाख ईमेल्स भेजे जाते हैं, इसमें भेजे जाने वाले 70% ईमेल्स स्पैम होते हैं। फैक्ट नंबर नाइन, गूगल पर एक दिन में, आप ही बताएं कमेंट में ये कितना है, सर्च होता है जिनमें से 15% ऐसे होते हैं जो गूगल को भी नहीं पता होता है। गजब। फैक्ट नंबर टेन, एक आम इंसान एक साल में इंटरनेट पर इतना टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करता है कि अगर उन्हें हम पढ़ने बैठे तो दिन में 8 आवर मतलब लगभग 76 दिन लग जाएंगे। फैक्ट नंबर 11, हर दिन 30,000 से भी ज़्यादा वेबसाइट हैक होते हैं। व्हाट। फैक्ट नंबर 12, आप जानकर हैरान होंगे कि ईमेल और www. जो भी उसके बाद हम लिखते हैं उससे भी पुरानी है। गजब। फैक्ट नंबर 13, आपको जानकर हैरानी होगी, हर मिनट 204 मिलियन ईमेल्स भेजे जाते हैं। गजब। फैक्ट नंबर 14, जापानीज भाषा में ई को इमेज में ट्रांसलेट किया जा सकता है और मोजी को कैरेक्टर में ट्रांसलेट किया जा सकता है, इसीलिए इमोजी का मतलब इमेज कैरेक्टर होता है। गजब। फैक्ट नंबर 15, क्या आप जानते हैं वाईफाई का मतलब क्या है? फाई का मतलब कुछ भी नहीं होता है। क्रिएटर ने इसका नाम इसलिए रखा था, ये हाईफाई के साथ मिलता जुलता है। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।